जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेस ऑफ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे चाय वाले से जो के साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं चाय का और साथ पढ़ाई भी वो कर रहे हैं। जी आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद फाद। अच्छा सर, हमें ये बताएँ कि आपने ये चाय का बिज़नेस शुरू किया हुआ है, कितने से स्टार्ट किया आपने? ये हमें कम से कम 7-8 साल हो गए और ये मैंने स्टार्ट किया था 2001 से। माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह सही सेटअप जा रहा है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। सर हमने देखा है कि यहाँ काफ़ी रश लगा रहता है, इसकी क्या वजह है? खारिश दूध है, सास अच्छी चीज़ देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत है। दुकान गाहक बने हुए, प्यार खुराक है, बड़ा गाहक आके बैठते हैं, खिलाते पिलाते हैं उनको, अच्छा देते हैं, वो आते हैं हमारे पास, हमारी मोहब्बत है बड़ी, जिसकी वजह से हम उनके पास आते हैं। अच्छा सर, मैंने ये भी नोट किया है कि जो लोग ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस, लेकिन वो ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से वो नहीं स्टार्ट कर पाते, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, कारोबार के तो कोई इशू भी नहीं है, जो इंसान अपने रिस्क कमाने के लिए निकलता है तो उसको फिर ये नहीं देखना पड़े कि हम लोगों के सामने हम क्या होंगे या क्या नहीं, अपना ज़िंदगी हमने खुद गुजारनी है, लोगों से पूछ के थोड़ा गुजार दिया। तो ये आपको भी मुश्किलात आई थी इस बात की? आई थी, हमने भी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने भी उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट है, बड़ा पढ़े भी मेरी स्टार्ट है बड़ी, एफए। अच्छा आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं? जी एफए मैंने की हुई है, पेपर अब बीए के प्राइवेट पेपर देने हैं, लेकिन अभी स्कूलों की वजह से बात। अच्छा, ये इसके अलावा फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? इसके अलावा मैं बर्फ़ बेचता हूँ, बर्फ़ का अपना कारोबार है। अच्छा, बर्फ़ भी आप शुरू किए हुए आपने? नहीं आ पड़ी। अच्छा, वो भी साथ साथ सेल कर रहे हैं? साथ साथ जो है सेल कर। आप अकेले होते हैं यहाँ पे या कोई भाई भी होता है हमारा? तो हम दोनों भाई यहाँ पे इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इकट्ठे होते हैं आप जी। अच्छा सर, हमें ये बताएं जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस तरह से शुरू करें? बस वो जगह थे कि ठीक है और अपना काम स्टार्ट करें, अल्लाह ताला रिस्क देगा, उनको भी इजाफा मिलेगा, अच्छा कारोबार है बड़ा, इसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं है, करने वाला हो इंसान कर जाता है। अच्छा, आपका कहना यह है कि इसका लोकेशन भी मैटर करती है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ किस किस को सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कोई डिलीवरी दे रहे हैं आप चाय की? हाँ जी, यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं, सामने प्लाजा है बड़ा, ये मेडिकल स्टोर है बड़े, सब पर अपनी चाय जाती है सब, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे लेके जाते हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से लेके। हाँ तो नाजरीन, आज मैंने आपको दिखाया है कि चाय का बिज़नेस कैसे किया जाता है। मेरा आपको मशवरा है कि जो भी ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं चाय का या कोई भी काम हो, वो काम को कभी छोटा मत समझे, क्योंकि छोटा काम हमेशा दिन ब दिन बड़ा हो जाता है। किसी ने हिम्मत नहीं हारने, जिसका जो दिल में आता है काम करने के लिए, जो भी बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो ज़रूर अपना काम करें। तो ये कभी ना सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कुछ भी नहीं कहते, इसलिए जिसने जो काम करना है खुले दिल से अपना काम जारी रखें। थैंक यू।